कृष्णा, आप सभी को गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गौर पूर्णिमा अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। श्री चैतन्य ये कौन है? शास्त्रों में बताया गया है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इस धरा भूमि पर करीब 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे भक्ति का प्रचार करने के लिए, क्योंकि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे और उन्होंने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सभी पापों से रक्षा करूंगा, डरो मत। परंतु प्रश्न ये उठा कि आखिर भगवान की शरण में जाया कैसे जाए? इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्वयं कृष्ण इस कलयुग में एक भक्त के रूप में आते हैं, जहाँ वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किस प्रकार करनी है वे सिखाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया है, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसा। सुमेधसा अर्थात जो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है वे चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित इस हरे कृष्ण आंदोलन का भागी बनेगा। उनकी त्वषा अर्थात जो बॉडीली कॉम्प्लेक्शन है होगा गोल्डन कलर का, होंगे वे स्वयं कृष्ण परंतु भक्त के रूप में। अतः इसे छन अवतार भी कहा जाता है। छन अर्थात ढका हुआ है, तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परंतु एक भक्त के रूप में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में भ्रमण करके प्रेम सबको दिया, उन्हें प्रेमावतार भी कहा जाता है, द मोस्ट मर्सीफुल इनकार्नेशन, क्योंकि उन्होंने गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन सभी लोगों के लिए अवेलेबल बना दिया। वो हरिनाम संकीर्तन जो कि अत्यंत दुर्लभ है, गोलोक का प्रेम धन है। भगवत साक्षात्कार के लिए सतयुग में मेडिटेशन किया जाता था, त्रेता युग में उसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बड़े बड़े यज्ञ कराए जाते थे और द्वापर में अर्चना के माध्यम से भगवत साक्षात्कार हो पाता था। परंतु कलयुग में जहाँ पर लोग बड़े ही आलसी हैं, जिनका भाग्य बहुत ही मंद है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाध्रता, ना वो ध्यान लगा सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, ना बड़े बड़े मंदिरों में अर्चा विग्रहों की उपासना और सेवा कर सकते हैं, ऐसे जीवों के लिए क्या स्कोप रह गया? तो उनके लिए हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और कोई साधन नहीं है, केवल हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र साधन है जिससे भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया जाता है। और उसी हरि नाम को बांटने के लिए करुणा अवतार दया के सागर मर्सी पर्सोनिफाइड श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नाम प्रेम धन देकर जाते हैं। इसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जो कि महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, इस मूवमेंट को पूरे विश्व भर में फैला देते हैं। ऐसे स्थानों पर जहां कभी भगवान का नाम सुना तक नहीं गया था, आज वहां पर भी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का आस्वादन कर रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं, हरि के कीर्तन को श्रवण कर रहे हैं, हरि के नामों का प्रचार कर रहे हैं, भगवद गीता भागवतम आदि महान ग्रंथों का स्वयं अध्ययन कर रहे हैं और उनका विस्तृत रूप से वितरण कर रहे हैं, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम उसे बांट कर जीवों का उद्धार कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य आविर्भाव तिथि महा महा महोत्सव की जय। हरे कृष्ण।